टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग रीडिंग है। आप इसे सन मून राइजिंग से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उसे देख लीजिएगा। ओके, तो चलो टॉरस, सबसे पहले आपके लिए कुछ ट्रायल्स निकालते हैं और देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ओह, सिर्फ चार आई हाथ में। ओके टॉरस, थैंक यू। वी हैव बी आर ओ ओ आई डी टी टी। ओके, यहां जो एनर्जी है ना आपके लिए टॉरस, ये कनेक्टिंग डॉट्स, जैसे हम बोलते हैं ना कनेक्टिंग डॉट्स, आप यहां पर एक ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कहीं ना कहीं किसी मिस्ट्री को, आपकी लाइफ की कोई मिस्ट्री है, कोई सीक्रेट है जिसे वो उसे रिजॉल्व करेगी, या फिर कह लीजिए कि उसे उसके उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करेगी। ओके, सो कनेक्टिंग डॉट की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस में जो भी लोग आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, वो अपने कला के लिए एक प्लेटफॉर्म को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने लिए ऐसे क्लाइंट्स को या ऐसे सोल ट्राइब को जो उनकी कला को खरीद सकें। तो यहाँ पर कुछ टॉरस साइन के लोग अपनी आर्ट से, आर्ट को अपने करियर में बदलने का जो प्रोसेस है उसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर डॉट से मुझे मैंडेला दिखा, वो होती ना डॉट डॉट वाली आर्ट होती है जो, तो वो मुझे यहाँ पर दिखी। तो यस, यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली आर्ट का करियर जो है वो मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में है। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर कुछ टॉरस साइन के लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, जिनका किसी विश को लेकर आंसर पास्ट में नो था, तो आप अपनी उस नो को येस बदलने में लगे हुए हो। यहाँ पर कह लीजिए कि उस नो की जो येस एनर्जी है उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर येस और नो, ये और से ना मुझे सुना, येस और नो, नो और येस। तो येस, यहाँ पर कुछ लोगों की कुछ विशेज थी जिसका हो सकता है कि किसी रीडिंग में आपको आंसर नो मिला, या किसी येस और नो की रीडिंग में, पेंडुलम की रीडिंग में, और आपने कहा कि येस, इस नो को अब मैं येस में कैसे बदलूं, तो आप उसकी येस की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ब्यूटिफुल। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर कुछ लोग कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि कार हमारी लाइफ की, लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाती है, प्रोसेस को ट्रैवल करना थोड़ा इजी हो जाता है, तो ये सुविधा की निशानी है। तो कुछ लोग अपने लिए किसी किस्म की सुविधा को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग लिटरली कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ओके, हम यहाँ पर जो है आपके कार्ड से देखेंगे कि और क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो टॉरस। थैंक यू। सन मून राइजिंग, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द हायरोफेंट एंड द टावर। ओके, आप अपने लिए यहाँ पर रेस्क्यू की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो टॉरस, किसी किस्म का कोई कर्जा है, किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लग गया आपके ऊपर, या आप किसी चीज़ में घिर गए हो। मुझे शब्द सुन रहा है, आप किसी चीज़ में घिरे हुए हो
और आप उस घिरने की ऊर्जा में आप अपने लिए हेल्प रेस्क्यू की एनर्जी, कि कोई आपको आकर रेस्क्यू करे, आप उस एनर्जी को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। हेल्पिंग हैंड की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोग पैराडाइम शिफ्ट की एनर्जी से गुजर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक राइट माइंडसेट को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो टॉरस, जहां पर आप पॉजिटिव सोचो, आप ऑप्शंस में कंफ्यूज ना हो, आप लॉस्ट ना महसूस करें, आप फियर ना महसूस करें। तो जो भी लोग यहाँ पर एफर्मेशंस के साथ काम कर रहे हैं वो करते रहें, प्लीज करते रहें, क्योंकि आप अपने लिए पैराडाइम शिफ्ट को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये नया माइंडसेट आपकी नई रियलिटी को क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेंस से हार्मनी भी जो है, बैलेंस भी जो है, वो रिस्टोर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से मुझे एक मैसेज मिल रहा है, जो लॉस्ट हुआ, जो आपने गवाया, उसे वो चीज़ आपको दोबारा से मिलना। तो यहाँ पर जैसे एक कप, जैसे कहते ना कि एक कप का पानी स्पिल गिर गया या फिर वेस्ट हो गया, तो उस कप को फिर से रीफिल किया जा रहा है। तो अगर आपने कोई रिलेशनशिप में किसी पर्सन को खो दिया, आई थिंक ये पर्सन की वापसी होने वाली है, वो प्यार फिर से जागने वाला है। तो यहाँ पर बहुत हैवी रिकंसिलिएशन की भी एनर्जी है टॉरस। तो कुछ लोग यहाँ पर रिकंसाइल करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, और ये आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। एक्सक्यूज मी टॉरस, या द वर्ल्ड कार्ड अगेन, यहाँ पर एक बहुत हैवी एनर्जी, जैसे कि वो कह रहा है कि मैं घिर गया हूँ नाज, और मुझे हेल्प चाहिए, जैसे मैं किसी चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। ये भी पॉसिबल है कि कुछ टॉरस साइन के लोग किसी ऐसी सीन से गुजर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है, लेकिन आपने वो काम किया नहीं है। इट्स जस्ट कि आप कर्मा का वेट कर रहे हो, लॉ ऑफ कर्मा का, आप जस्टिस का वेट कर रहे हो। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर ये आर्केंजल्स की एनर्जी होती है टैरो में, टेम्परेंस कार्ड, तो यहाँ से मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि हमें पता है कि तुम सच्चे हो, हमें पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, हमें पता है कि तुम्हें इस चीज़ में फंसाया गया है। तो इस वजह से, क्योंकि हमें पता है कि सच क्या है, हम अब यहाँ पर इंसाफ करेंगे, अब हम यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी लेकर आएंगे। तो वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी में है। ओके, तो आपके लिए जस्टिस भी मैनिफेस्ट हो रहा है, जैसे फैमिली डायनेमिक्स हैं यहाँ पर, और उसमें जस्टिस सर्व होगा। ओके, आप जैसे इस एनर्जी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर किसी का स्टडी लोन है और आप उसको चुकता कर पाओ, उसके लिए अबंडेंस को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये फिर से कंप्लीशन की, जो भी यहाँ पर डिफिकल्ट एनर्जीज हैं, ये कार्ड कहता है कि अब उसकी कंप्लीशन है, और उसके ऊपर यू नो ये हार्मनी का कार्ड, बैलेंस का कार्ड। तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, किसी का कोई लोन है, स्पेसिफिकली स्टडी लोन है अगर यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कुछ फैमिली डायनामिक्स में कुछ सीन चल रहा है, इस चीज़ की जो भी कार्मिक है वो यहाँ पर कंप्लीशन में आ रहा है। Wow, okay. Whew. We have the Hierophant and then we have the High Priestess. Right partner. और ये मैरिज के बारे में मैं बात बोल रही हूँ। अगर अभी तक आपके आप शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं और आपको सही पार्टनर नहीं मिल पा रहा, आपकी खोज जारी है, तो ये दो कार्ड्स बता रहे हैं टॉरस, आपकी खोज खत्म होने वाली, क्योंकि आपको राइट पार्टनर मिलने वाला है, बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हो, यू नो। तो यहाँ पर राइट पार्टनर की एनर्जी है।
आप में से जो भी लोग टैरो सीखना चाहते हैं, आई थिंक आप अपने लिए कोई सिस्टम भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, फंड्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि आप ये कोर्स सीख सको या फिर ये टैरो सीख सको. तो यहाँ पर डिविनेशन टूल्स को जो भी सीखना चाहता है, आपके लिए परफेक्ट अलाइनमेंट बन रही है. ओके, कहीं ना कहीं आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आई थिंक ये भी है आपको इस एनर्जी को अट्रैक्ट करने में मदद कर रही हैं. आप जैसे मैग्नेट की एनर्जी में हो डिविनेशन टूल्स को लेके, तो यस, वो भी एक एनर्जी है यहाँ पे. या हीलर्स का कार्ड, बिग कन्फर्मेशन, द स्ट्रेंथ कार्ड, या मैंने बोला आपको रिकंसिलिएशन, और सिक्स ऑफ कप्स लिटरली टैरो में इसी ऊर्जा को भी दर्शाता है. ओके, सी बॉटम ऑफ द डेक में भी थ्री ऑफ सोर्ड्स है. मैंने आपको पहले कहा, जो भी कार्मिक एनर्जी है यहाँ पर आपकी लाइफ में, जैसे उसका उसका लास्ट चैप्टर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसकी कंप्लीशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, और ये जो भी टफ एनर्जीज हैं, ये बैलेंस से रिस्टोर हो रही हैं. यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ इन्फिनिटी में बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है. राइट, सो यस, आप आने वाले दिनों में टॉरस अच्छे दिन जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. और मुझे फिर से वो यही बता रहे हैं कि अब इंसाफ होगा, अब जस्टिस होगा. यहाँ पर आप में से कुछ लोग काइंड फ्रेंड्स को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो. काइंड फ्रेंड्स माने कि जो आपकी दास्तां या आपकी कहानी सुनकर, पहले मीठी मीठी बातें कर आपसे आपके राज पता कर लें और फिर आपको टॉन्ट करें या आपको हर्ट करें, ऐसे नहीं. कैसा फ्रेंड जो अगर आपकी दास्तान को सुन रहा है तो उसमें उसके पास हमदर्दी है, वो आपका मजाक नहीं उड़ाए, तो काइंड फ्रेंड्स हैं यहाँ पर. एंड आई डोंट थिंक कि ये बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक ये कोई एक दो ऐसे लोग होंगे जो बेसिकली काइंड फ्रेंड्स की एनर्जी में होकर आपकी लाइफ में आएंगे. ओके, सो आई डोंट थिंक कि आप बहुत बड़ी भीड़ फ्रेंड्स की मैनिफेस्ट कर रहे हो. इस जिसकी एक दो शख्स जिसको आप काउंट कर सकें, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें. ओके, तो यस, यहाँ पर काइंड फ्रेंड्स की एनर्जी है. अगर आपकी स्किन बहुत बहुत रैशेज रहते हैं, आपको बहुत जल्दी एलर्जीज हो जाती हैं, स्किन रेड हो जाती है, तो आई थिंक आप क्लियर स्किन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो. मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है, बहुत जैसे सॉफ्ट स्किन हो, तो ये सब अपनी गुड स्किन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो टॉरस. और मैनिफेस्ट कर रहे हो से मेरा मतलब क्या है कि ये चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो भी रही हैं. ओके, मैं यहाँ पर ये थोड़ी सी जो वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है इसे जानना चाहूँगी कि क्या चैप्टर चल रहा है इनका. I told you, literally बिल्कुल अलग डेक है. Oh my gosh, look judgment. बिल्कुल अलग डेक है ये आपके सामने. आपके सामने मैंने इसे शफल भी किया. एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलती टॉरस. और मैं सिंपली आपसे नहीं कह रही, अगर कोई और भी देख रहा है इस रीडिंग को, क्रॉस चेक भी कर रहा है, मतलब क्रॉस वॉचर भी है यहाँ पर कोई, इस चीज़ ये मैसेज सभी के लिए. एनर्जीज कभी नहीं झूठ बोलती, कभी कभी इनकरेक्ट नहीं होती. और एज अ टैरो रीडर अगर आपने एनर्जी पढ़ना सीख लिया, कार्ड्स पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है मेरी जान. कार्ड्स को पढ़ना हम सीख सकते हैं, लेकिन एनर्जी पढ़ना अगर आप सीख जाएं तो वो कमाल की बात है. राइट, और मैंने आपको बोला यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड में मुझे जस्टिस की एनर्जी महसूस हुई. जो फेस वैल्यू होती है हमेशा, ज़रूरी नहीं कि वही काउंट हो. राइट, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है. तो यही एक मैसेज है आपके लिए कि आप चिंता मत करो टॉरस, आप चिंता मत करो, जस्टिस सर्व होगा, जस्टिस रिस्टोर होगा. जैसे मैंने कहा ना यहाँ पर, जैसे आर्क एंजल्स कह रहे हैं आपके बारे में कि हमें पता है कि तुम गलत नहीं थे, हमें पता है कि ये जो इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगा है ये झूठा है, ये तोहमत जो तुम्हारे ऊपर लगाई गई ये झूठी है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके तुमको विलन बनाया गया है ये गलत है, हमें पता है ये बात. और इसी वजह से अब जस्टिस जो है सर्व होगा बेसिकली. यस,
या एस ऑफ पेंटिकल्स, फ्रेश एयर हो, जैसे फ्रेश ब्रेथ, यू नो, जैसे कोई कह रहा है कि मैंने बहुत समय के बाद, एक पल्यूटेड एयर थी जिसमें मैं सांस ले रहा था, और मैंने बहुत समय के बाद एक ताज़ी हवा में सांस ली है. तो जैसे एक किस्म का रीबर्थ हो, एक दोबारा से लाइफ के साथ कनेक्ट होना. ओके, सो यस, यहाँ पर फिजिकल हीलिंग भी है कुछ लोगों की, फाइनेंशियल हीलिंग है. आप ये बैगेज को रिलीज करके, ये डेफिनेटली कोई लोन की एनर्जी है यहाँ पर. किसी किसी को आप जैसे लोन की एनर्जी को रिलीज करके, अब आप कह रहे हो कि अब मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, अब मैं अपनी सेविंग्स पर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दे सकता हूँ. ओके, तो ऐसी ब्लेसिंग है आपके लिए यहाँ पर. ब्रेक थ्रू आने वाला है टॉरस आपके लिए. आई एम हैप्पी फॉर यू, गॉड ब्लेस यू. इस डेक को थोड़ा शफल करना डिफिकल्ट है इसकी शेप की वजह से, बट लेट्स सी क्या कार्ड आता है आपके लिए. ओके, कैल्साइट, एम्प्लीफाई, क्लेंज एंड ओपन. यस, जो गंदगी है उसकी क्लेंजिंग होगी. ऑरा, ऑरा क्लेंजिंग भी है यहां पर आपके लिए. अगर आपके अमूमन यू नो, आप ऐसी एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर रहे थे जो बहुत नेगेटिव थी, जो बहुत टॉक्सिक थी, आई थिंक समहाउ आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, या जिन लोगों की वजह से आप इन चीज़ों को अब्सॉर्ब कर रहे थे उसमें शिफ्ट है. वो लोग हो सकता है कि आपके एनर्जी फील्ड से बाहर जा रहे हों, या एकदम से ये भी हो सकता है कि जैसे यूट्यूब में एकदम से आपके सामने पहले टॉक्सिक चीज़ें आ रही थी, टॉक्सिक वीडियोज़ आ रही थी और आप उसे कंज्यूम कर रहे थे, पर जैसे ही भी जैसे एक शिफ्ट आएगी और बिल्कुल नई वीडियोस आपके रिकमेंडेशन में आने लगे, बिल्कुल नए यू नो, आपकी फीड में नई चीज़ें, नए चेहरे दिखने लगे, नए चैनल्स रिकमेंड होने लगे आपको. ओके, तो वो एक क्लेंजिंग है, एक एनर्जी की क्लेंजिंग है यहाँ पे. टॉरस, या अबंडेंस, यहां से यहां का सफर है. ओके, आप मनी को, अबंडेंस को यहां पर मैनिफेस्ट कर रहे हो. यू नो, यहां पर एक मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि जैसे जैसे कोई कह रहा है कि यू नो, ये फ्रूट खाने का मेरा मन है, लेकिन मैं इसे अभी अभी इसे मैं इसलिए नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास इतना महंगा फ्रूट खरीदने के पैसे नहीं है. लेकिन जैसे वो दिन छट रहे हैं आपकी लाइफ से, और अब आप जैसे महंगा फ्रूट खरीद पाओ, आपके पास इतनी अबंडेंस है, लक. बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस टॉरस आपके लिए, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. यप, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप में से जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है रिसेंटली, आई थिंक ये कन्फर्मेशन है कि वो आपके लिए काम कर रहा है. पैराडाइम शिफ्ट भी आ रहा है आपके लिए और आपके हालात बदल रहे हैं. ब्यूटिफुल, वी हैव प्योरिफिकेशन. यस, मैंने जैसे पहले कहा, जिस भी चीज़ की गंदगी आपके जीवन में किसी ने डालने की कोशिश की, किसी किस्म की साजिश, किसी किस्म का अपमान, किसी किस्म का ढोंग किसी ने रचा, यू नो, प्लानिंग, प्लॉटिंग की आपके इर्द गिर्द, आई थिंक वो पर्सन की शामत आने वाली है. ओके, जैसी करनी वैसी भरनी. हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते कि किसी के साथ बुरा हो, लेकिन जो कर्म है वो उसका भुगतान हमको देना होता है. तो मुझे वही दिख रहा है यहाँ पर. ओके, आपके साथ जिसने भी बुरा किया है, आई थिंक उसको उसका कर्मा मिलने वाला है, और ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है. एंजॉय क्लियर हियरिंग. अगर आप ऐसे लोगों से भी डील कर रहे थे जो सच नहीं बोल, जो आपको सच नहीं बता रहे थे, सच नहीं बोल रहे थे, और आपके कानों में बहुत सारी यू नो, ट्रॉमा की, बहुत सारी झूठ की, बहुत सारी रेजिस्टेंस की एनर्जी बैठी हुई थी, आई थिंक आपके कानों के इर्द गिर्द जो कर्मा था ना, वो भी क्लियर हो रहा है. ओके, आपके कान जैसे अब अच्छी बातें सुने, गुड न्यूज़ को सुने, सेलिब्रेशन की बातें सुने, अच्छे अच्छे नाम सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, तो ये ऐसा आप ऐसी अलाइनमेंट में आ रहे हो टॉरस.
शील्ड योर एनर्जी, लुक बीनीथ दी सरफेस. इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करें, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो बढ़ रही हैं. ओके, आपकी एनर्जीज बहुत, जैसे जैसे आप मुझे लगे, जैसे आप, जिस मैंने कहा रीबर्थ की एनर्जी है, राइट? तो इस समय आप पुरानी लाइफ का जो गंदगी है, यू नो, उसको, उसकी ऊर्जा को आप अफोर्ड नहीं कर सकते. आपको उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा. हो सकता है कि वो डिस्ट्रैक्शंस के रूप में फिर से आपको खींचने की कोशिश करें कि एक लोन आपका ख़त्म हुआ तो मन कह रहा है कि चलो कोई दूसरा लोन उठा लें किसी दूसरी चीज़ के लिए, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि इस ट्रैप में दोबारा मत फंसो. ओके, फ्री योर सेल्फ, मृग तृष्णा से बचो. तो पास्ट की ये जो स्टोरीज हैं ये दोबारा से शुरू ना हो, इसका ध्यान रखना है. ओके, इस तरीके से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है. आई थिंक आप में से कुछ लोगों की आई साइट भी इम्प्रूव होने वाली है. मुझे 2020 विजन दिखा, 2020 विजन, तो कुछ लोगों की आई साइट जो है वो इम्प्रूव होगी. या एंजल असिस्टेंस तभी आया था यहाँ पे. आई थिंक आपके साथ सबसे ज्यादा स्पिरिट राम से, जो आपके साथ सबसे ज्यादा एनर्जी कनेक्ट होती है ना, वो आर्कएंजल माइकल की होती है. आर्कएंजल माइकल बहुत करीब है आपके, या फिर कह लीजिए आप आर्कएंजल माइकल के बहुत करीब हो. आपकी प्रार्थना वो सुनते हैं. तो यस, अपने लिए प्रार्थना करते रहिए. ओके, संसार की भलाई के लिए प्रार्थना करते रहिए. एंजल्स अगर आपके साथ कनेक्ट है तो आप बहुत, यू नो, लोगों की भलाई के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, राइट? सो यस, ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है. सिंपली अगर आप यहाँ पर एंजल्स के बारे में स्टडी करना भी, पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आई थिंक इस समय ऐसी विश भी बताना या एक्सप्रेस करना, यूनिवर्स को कहना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप इसको भी मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आप इसके साथ अलाइनमेंट में हो. ओके, सो यस टॉरस, ये आपकी रीडिंग है. होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा. ओके, टेक केयर, बाय.